तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंड्रॉइड रास्ता यूट्यूब चैनल पे। जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे कुछ बातें बताने वाला हूँ। सहारा बैंक की जो अपडेट है, कुछ गुड न्यूज आई है, उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ना यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे जो राष्ट्रीय सहारा बैंक के अधिकारी लोग हैं, वह लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन जा कर कर रहे हैं। और उनका कहना है सेबी से कि आप हमारे पैसे वापस करिए। तो यह क्या सहारा राष्ट्रीय परिवार के जो यहाँ पे बड़े बड़े लोग अधिकारी लोग जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सहारा बैंक का यह दिखावा या सच्चाई है, क्या है? क्या सेबी गलत है, सहारा बैंक गलत है, क्या है? आए मैं आपको इसके बारे में जो भी अहम सजेशन है, जो भी यहाँ पे बातें आपको बताता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ना कि यहाँ पे यदि सेबी गलत रहती तो यह नहीं कहती कि यहाँ पे सभी कस्टमरों का जो पैसा है, ग्राहकों का, वह यहाँ पे 15% ब्याज के सहित भुगतान किया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है ना? उनका सेबी का कहना है कि मैं आप मतलब सभी कस्टमरों का भुगतान मूलधन का 15% ब्याज सहित आपको भुगतान करना है। सहारा बैंक को बार बार हिदायत दे रही कि देना है, ठीक है ना? और सहारा बैंक का कहना है कि 24,000 करोड़ रुपए जो यहाँ पे 2400 करोड़ रुपए यहाँ पे सेबी के पास है, उसी का टारगेट ये लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सेबी का कहना है ना कि आप हमें रिकॉर्ड दस्तावेज जो है उसको प्रस्तुत करिए, और उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट आप लोग का भुगतान करना स्टार्ट कर देंगे सभी कस्टमरों का, बस हमें रिकॉर्ड दे दीजिए। सेबी कहती है जैसे रिकॉर्ड पाएगी ना, एक हफ्ते बाद ही वह सभी का भुगतान करना स्टार्ट कर दी। सेबी का मानना यह है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सेबी गलत है या सहारा बैंक सही है, क्या है, इसमें आपको बता दूँ कि दोस्तों यहाँ पे जगह जगह ना सहारा बैंक के ऑफिसों को भी सील किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है ना कि ताकि वहाँ से कुछ यहाँ पे भुगतान हो सके, कुछ यहाँ वहाँ से मनी इकट्ठा किया जा सके। और बहुत सारी चीट फंड कंपनियों का अभी भी लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो इन सब की वजह से कई कई जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इनके ऑफिस वगैरह को सील किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो दोस्तों नई अपडेट जो भी रहेगी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।